नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हम आस्था के केंद्र करेला भवानी में पहुँच गए। करेला भवानी खैरागढ़ जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर है और लगातार यहाँ पर दो नवरात्रि, जैसा कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ पर लोग आते हैं। लोगों की आस्था का यह बड़ा केंद्र हो चुका है। आपको बता दें कि घने जंगलों के बीच यह मंदिर है, पहाड़ी पर है। लगभग हजारों सीढ़ी पार करके चढ़कर के वहाँ तक लोगों को पहुँचना पड़ता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ आते हैं। बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से भक्तों का आना जाना लगातार हो रहा है, निश्चित तौर पर इसकी ख्याति बढ़ रही है। लोग मनोकामना लेकर के आते हैं। खैरागढ़ जिले का यह पहला बड़ा मंदिर है जो पहाड़ी पर है और हजारों सीढ़ियाँ चढ़कर के लोग तक वहाँ तक पहुँचना है माँ के दर्शन के लिए। तो निश्चित तौर पर जब आप ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका यह दृश्य और भी मनोरम होते जाता है और माता के दरबार में जब आप पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग अनुभूति होती है और उसी को लेकर के आज हम अष्टमी पर माता रानी के दर्शन के लिए निकल चले हैं। और आइए चलते हैं माता रानी के दर्शन। माँ करेला भवानी के दरबार में हम इस समय पहुँच चुके हैं। लगभग हजारों सीढ़ी पहाड़ तक चढ़ करके हम माता के दर्शन के लिए पहुँचे और IBC 24 का परिवार यहाँ पहुँच चुका है और पुजारी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है और किस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। माँ भवानी आप समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें। माँ भवानी कुमार नवरात्र का हार्दिक शुभकामना। दोनों कुमार और क्षेत्र नवरात्र में ज्योति कलश रखा जाता है। जो भी भक्त यहाँ मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होता है और माता रानी आज 300 साल पुराना हो चुका है। देश विदेश के आदमी है आए थे, प्रयास करते और आते तो मनोकाम ले के आते ना, वो हिसाब से तब मनोकाम पूर्ण होते तभी हमें लगी कि ये भीड़ दिन ब दिन मतलब बढ़ते जा रहा है, ज्योति भी बढ़ रहा है। आदमी के जो भावना है वो हाँ मंदिर के प्रति, माता के, माता भवानी के प्रति मतलब वो हाँ आकर्षित है। अलग के रूप में कन्या जेन हाँ उमेन सिंह गौटिया जो नहीं से हमारे करेला के वो हाँ ओकर सपना में गी ओकर बाद वो हाँ सुबह उठी तो ओला हकीकत दिखी ओकर सपना हाँ सहे उतरी तो गांव वाले मन ला बताइस। और ये घटना है चैत माह के एकदम तपत धूप में कहा जाए 12-1 बजे के आसपास में, तो वो हाँ बताई कि मोला तुम्हें इसलिए मत जानो कि मोर नाम हावे कि ये नाम से मोला जाने जानूँ और दुनिया ला प्रचार करूँ। अटना है कि मतलब मोर लिए जगह नहीं है, घर में बढ़िया आराम करत हूँ। अटना है कि उसके बाद में वो मन सोचित कि हम कैसे नाम देते, वो कुछ ध्यान उन पर उड़ गए, ध्यान उड़ी सो कर बाद में देखीस तो ले दिखी सोहा तो गांव से कोई बाहर में रही केवल वो ला पूछीस कि ये बच्ची रही थे कहाँ के करके, तो वो बोलीस तो गांव से बाहर रहते हैं कि वो लड़की बच्ची जो है वो हर जंगल की ओर जा रही थी, तो गौटियाल बताइस तो गौटियाँ है वोकर पीछे पीछे गांव भर के आईस, तो वोकर पीछे पीछे आते आते ना यहाँ तक पहुँचीस, तो यहाँ वो है एक छोटा सा नीम पेड़ रही वहाँ वो छाँव में बैठ गए, छाँव में बैठी और ओला बोली कि मोर नहीं बसे के कुछ झाला झोपड़ी जो भी बनाना है छाँव बनाओ, एक दूसरा बता नहीं पाई एक दो ऐसे देख रही हूँ। सर मैं दुर्ग भिलाई से आया। अच्छा, इससे पहले आए थे? जी एक बार और आ चुका हूँ, मेरा दूसरा बार। कैसा लगा यहाँ आकर के? सर बहुत अच्छा है, माता रानी से मिलिए सुकून मिलता है और यहाँ का वातावरण आप देख ही सकते हैं और माँ करेला भवानी की कृपा सब पे बनी रहे। जी बताइए कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, सुना था कि माँ करेला भवानी राजनांदगांव में है, सभी की मनोकामना पूर्ण कर दिया, तो हम भी अपने